आपका, इधर देखो मुंह कड़वाना हल्का, ठीक हो गई अब ये बिल्कुल से। ये बताओ कोई पैसा तो नहीं लिया आप लोगों से किसी से? हाँ, इससे पहले भी आ चुके होगे आप लोग। हाँ, और पेशेंट ठीक होते हैं कि नहीं? आप कोई पैसा लिया गया आपसे? क्या नाम तुम्हारा? कहाँ से आए थे? जल्लापुर सिकंदरा कानपुर देहात से आप? और ये तो इससे पहले भी यहाँ मरीज जो आते रहे आप लोगों को, तो कोई पैसा वैसा तो लिया नहीं गया है? तो देखो ये लड़की बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी, आज पूरी तरीके से ठीक है। आप कौन है? आप बहन है? भांजी है। भांजी है। कोई पैसा कौड़ी तो लिया नहीं गया? नहीं। जगह को बताया तो कहाँ कौन सी जगह है? ये अमरोधा है। अमरोधा है ये? बोलो आजाद नगर में। बोलो। तो अभी ये देखा आपने, बिल्कुल निःशुल्क इलाज सांप के काटे का होता है। ये नीम का भी उपयोग किया जाता है, बहुत सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को कोई इस तरह की समस्या हो तो नंबर लिख लें 9451479641। तो मित्रों अब आप देख रहे हैं कि ये जो पाताल मणि है इसको किस तरीके से गिलास में कूटा जा रहा है, यानी महीन किया जा रहा है। अगर कोई भी मरीज आपके पास आए तो अब आप इसी तरीके से अवश्य ही कोटाई करें, जिससे कि आपको बेहतर इलाज कर सकें। और ये बात को ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा पाताल मणि आपने महीन कूटा उतना जल्दी काम करेगा, क्योंकि आंतें उसको जल्दी से पचा लेंगी और लीवर से होती हुई ये सीधे आपके ब्लड में जो भी जहर या पॉइजन है उसे ख़त्म करेंगे। अब आप ये देख लीजिएगा, घी निकाला है, चूंकि घी ठंडा है अब इसे गर्म इसलिए करना पड़ेगा कि बिना इसके गर्म किए हुए मरीज दवा नहीं ले सकता है, इसलिए इसे लिक्विड करने के लिए एक जुगाड़ है जो अभी हम जुगाड़ करने वाले हैं। देखें कि वो जुगाड़ क्या है। अब माचिस उठाए हैं हम, माचिस उठाने के बाद तीली जलाई जा रही है। अभी देखिएगा, अगर ये मैं आपको आपातकालीन में दिखा रहा हूँ, अगर आप घर पर हैं तो आप गैस से भी गुनगुना कर सकते हैं, आग से भी गुनगुना कर सकते हैं। दोस्तों ये देख लीजिएगा, देसी जुगाड़ के साथ देसी घी को गर्म करने का सिलसिला। अब ये दवा आप देखिएगा किस तरीके से खिलाई जाएगी और कितनी देर में मरीज को इससे आराम पाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, मैं खड़ा हूँ, चूंकि मैं समय समय पर इसका वीडियो की कई क्लिपें इधर का उधर और उधर का इधर, मैंने कुछ जैसा आया मैं तो ऐसे ही सेट कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं करता हूँ, सीधे वीडियो को सेट करना है, चाहे आगे का पीछे हो जाए और पीछे का आगे हो जाए, इसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ। आप ये देख लीजिएगा, घी को गुनगुना करते हुए हमारे मोहम्मद अब्दुल समद साहब, जो कि ये एकदम फ्री इलाज करते हैं, और अगर किसी को भी सुविधा असुविधा हो तो मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ और दे भी दिया है। तो ये देख लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर बैठी हुई इनकी अहलिया अनीशा बेगम को भी आप देखिएगा काम करते हुए, मरीज के प्रति कितनी हमदर्दी है, और देखिएगा आग जलाने में पूरा सहयोग कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी लोग बेहतरीन इलाज करते हैं। तो दोस्तों ये देहात है, अब यहाँ से बर्फ वाला निकल कर जा रहा है और मोहम्मद के शहर में ऐसा लग रहा है कि ये गाना सुन रहा है अब ये सीधे जन्नत पहुँच जाएगा। रोज़ा नमाज कुछ नहीं करना है, बस ये गाना सुन के जन्नत जाने का दावा करते हैं। किसको क्या डिस्टर्ब हो रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं, कहीं मर गया है तो कोई मतलब नहीं, किसी की सांस थम रही है इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ बस सोना निकल रहा है इसी से मतलब है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ZRFZ YouTube चैनल, और घी को किस तरीके से गर्म किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिएगा।
ये देखिएगा दोस्तों, और अब ये दवा में घी मिलाया जाएगा और इसे खिलाने के बाद देखना है कि मरीज कितनी जल्दी सर्वाइव होता है, कितनी जल्दी इसे आराम मिलता है। मेरे दोस्तों कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि किसी को तकलीफ़ दी जाए, किसी को तकलीफ़ देकर अपने कानों को मजा देना ये गलत है। तो मेरे दोस्तों आप देखते रहिए ZRFZ यूट्यूब चैनल, और ये देख लीजिए कि दवा मिक्स हो चुकी है, और मिक्स होने के बाद अब इसको दवा को पिलाने का कार्य किया जाएगा मेरे भाइयों। तो ये देख लीजिएगा और आप देखिएगा कि कितना शानदार ये दवा तैयार हो रही है और इसे पिलाया जाएगा, आप देखिएगा। चूँकि वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, और इसी तरीके से जो हमारे लोग पाताल मणि जान चुके हैं वो इसी तरीके से खिलाएंगे। ये देख लीजिएगा चारों तरफ दवा को छिटकारा जाता है। ये हमारे जनाब मरहूम उस्ताद लतीफ़ बाबा कुरैशी साहब ने ये टोटका बताया था कि जब भी दवा खिलाएं और दवा खिलाने के बाद उंगली से चारों तरफ दवा को छिटकार दें। अब ये देखिए दवा खिलाई जा रही है भाई, दवा तो खाना है पड़ा, धीरे धीरे करके अब तो मुंह बिस्कोर के खाओ उठाने को या उसे पलटी आने लगी, दवा से जो है मुंह नहीं बिस्कोर आ जाता है। महीन तो वैसे भी पिसी है। ये दवा खा जाओगे जो ब्लड प्रेशर जन कर रही है वो कंट्रोल ले जाए, उससे आए कुछ नहीं। नहीं पहचान पाए हैं कि पाताल मणि क्या है, ये है देखिए। चूंकि आप समझ सकते हैं भाग इधर का उधर और उधर का इधर है, मैं इसमें ज़्यादा खुचल नहीं करता हूँ ना ध्यान देता हूँ। मेरा काम ये है कि आप लोगों को ये दिखाना कि ये काम कैसे किया जाता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जब ज़रूरत पड़ती है कभी पेशेंट की नब्ज़ भी देखना पड़ती है, कभी पेशेंट का हाल चाल लेना पड़ता है, तो तुरंत बंद कर देता हूँ और उसके बाद फिर शुरू कर देता हूँ दोस्तों। तो इधर का उधर पार्ट हो जाता है, एडिटिंग के नाम पर यही एडिटिंग है, नो एडिटिंग नो चीटिंग, डायरेक्ट पेशेंट के साथ आपकी मीटिंग। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये अब यहाँ पर हल्का सा चीरा लगाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। मत देखो दवा, ब्लड निकलने की संभावना नहीं है क्योंकि बंद इतना बेहतर, इतना ज़बरदस्त बांधा गया है कि ब्लड यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ नहीं हो सकता है। और दोस्तों इसी तरीके से बंद को बांधना चाहिए मेरे भाई, बंद जो है बहुत अच्छा। अगर बंद कमज़ोर होता है तो पेशेंट गड़बड़ा जाता है, लेकिन एक गलती इन्होंने की कि बंद को रस्सी से बांधा है। रस्सी से बंद को ना बांधे क्योंकि मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब कुछ ना मिले तो आप रस्सी से बंद बांध सकते हैं थोड़ी सी तकलीफ के लिए, मरीज की जान से खिलवाड़ ना करें। कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि रस्सी से बंद ना बांधे, अब रस्सी कहाँ ढूंढते फिरेंगे। और फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप रस्सी से बंद बांध दीजिएगा जब कुछ ना मिले। और वैसे तो आप थोड़ा सा चौड़े कपड़े से ही बांधें तो बेहतर रहेगा। अब देखिएगा दोस्तों ब्लड बहुत ही कम आ रहा है, बंद बहुत ही प्यारा बंधा है, इसी तरीके से बंद को बांधना चाहिए। अब ये हम सफ़ेद दवा लगा रहे हैं हमारे समद भाई, और अभी देखिएगा कि कितनी, वैसे तो मरीज फुल कंट्रोल पर है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बंद ने जहर को ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया। ये जो सूंघा जा रहा है ये है कपूरिया मगर मस्त गंधेला, देखिए कि सूंघने से ही पेशेंट सही हो जाता है। चलो अभी ठीक हो जाए, घबराओ नहीं, बस कुछ है नहीं, तुम साथ में उनके बंद खोलो इसी को बांध देते क्या अरे पड़ गया एक हाथ दर्द रुमाल नहीं लिए दस तीन रुमाल नहीं तुमने अरे गौछा गौछा कुछ नहीं है।
चुपाओ तकलीफ मिल रही थी इतना खींच के बंधा था बांधा तुमने बहुत बढ़िया ऐसे ही बांधना चाहिए वैसे बंद को ऐसे ही बांधना चाहिए बांधना चाहिए बाकी कपड़े से बांधना चाहिए जो मिल गया वो बांधा जैसे कपड़ा जी बांधा है कि कपड़े से बांध के तो चौड़ाई से ये गलरा नहीं बनता है नहीं कुछ अभी क्या दिक्कत है बोलो और तो जंगनारा बंद खोला ये खून जा रहा धीरे धीरे तो संतरार तो पैदा हो नींद नींद तो नहीं लग रही ज्यादा अब नींद कैसे आ गई नींद आ रही हाथ चलाओ को हाथ को ऐसे ऐसे देना खून रुका रहा इसलिए नींद आने का पक्का कितनी नीम की पत्ती खाई आपने कड़वी नहीं लग रही थी नीम की पत्ती ये दवा जो सूंघने वाली दवा वो हमको लाओ अभी अब ले इनको चबा ये तीनों दाने चबाओ जरा महीन करके ले उसको सूंघना अरे यार हमने कहा यार मरीज पता नहीं कितना का उन सही है उसमें अलग डली हुई दवा हुई चार छह खुराक तो रहना चाहिए दवाई मौके पर देखे मारो दुंदवा के लिए खोतला में चल के ये बार बार टाइम थोड़ी मिलते हैं कैसे लगे दाने जी टेस्ट बताओ उनका टेस्ट ये कड़वे लग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है यार थूक दे अब ये क्या कड़वे लगन लगे अब नीम कैसी लग रही कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को नीम कड़वी नहीं लगती है जहर ना होने के बावजूद भी क्योंकि वो दहशत में होता है तब हमें क्या करना है ये देखिए काली मिर्च खिलाई अब देखिए काली मिर्च जब हम खिलाते हैं तो मरीज को जो है मुंह साफ हो जाता है और फिर उसके बाद नीम खिलाते हैं तो आप देखिएगा कि किस तरीके से नीम कड़वी लगने लगती है मरीज को लग रहा है ना तो ये देख लीजिएगा दोस्तों और यहाँ पर क्या किया जाए मैंने सुना था कि जहाँ पर चार औरतें होती हैं वहाँ पर बर 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 बंद नहीं होता लेकिन यहाँ पर चार आदमी है तो भी बर बर बंद नहीं है दोनों हाथ से कर लो ना ऐसे तो ऐसे कर लो अच्छा ये पकड़ गई हूँ अरे बस को ज्यादा मलने की जरूरत नहीं है वो ना पत्ती तोड़ने में कोई खुशबू पड़ जाती है इसकी खुशबू लग रही तुमको बदबू ऐसी लग रही बदबू नहीं लग रही इतनी बढ़िया खुशबू आती है इसकी अभी देखिए कहाँ पर वाइट किया है फिर से चेक किया जाता है और अभी आपको पता चल जाएगा ये देखिएगा ये देख लीजिएगा आप देख रहे हैं ये और देखते रहिएगा कारण ये है कि यहाँ पर क्या किया जाए भाई साहब ये देख लीजिएगा आप लाल लाल निशान जो आपको दिख रहा है यहीं पर स्नेक वाइट हुआ है मेरे भाई यहीं पर सांप ने काटा है इस व्यक्ति को जल्लापुर सिकंदरा से आए ना आप लोग ये देखो ये बंद एक लगा है एक ये लगा है